फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका जी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ अपने मछली के लिए मसाला ले लिया है और इसको हम सिलवट पर पीसेंगे। तो इसमें थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा सा गोलमरीच है, थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा लाल मिर्च है, थोड़ा सा धनिया है। इन सभी मसालों को हम सिलवट पर पीस के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम मछली को फ्राई करेंगे। चलिए पहले हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस ऑन कर लिया और कढ़ाई रख दिया है। और उसके बाद मैं मछली में थोड़ा सा हल्दी और उसके बाद थोड़ा सा नमक मैं डालकर मिक्स कर देती हूँ इसको फ्राई करने के लिए। तब तक हमारा कढ़ाई भी उधर गर्म हो रहा है और इसको हम इधर मिक्स कर लेते हैं तब तक। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है और मैं इसमें पहले तेल डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म भी हो चुका है, कढ़ाई पहले से ही गर्म था। तो इसमें हम मछली को डाल लेते हैं एक एक करके और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे 2 या 3 मिनट के लिए। तब उसके बाद हम चलाएंगे, नहीं तो अभी चलाने से हमारा मछली टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना अच्छा मछली फ्राई हो चुका है और इसको मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ, निकाल कर रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं बाकी बची हुई मछलियों को उसमें डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बाकी को भी डाल लेती हूँ वैसे ही। और इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे वैसे ही। हमने सारे मछलियों को डाल लिया है और 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2-3 मिनट हो चुका है, अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, निकाल कर रख लेती हूँ। तो हमारा मछली फ्राई हो चुका है। अब उसी तेल में मैं थोड़ा सा फ़ौरन डाल देती हूँ। फ़ौरन में है मेथी, जीरा और लाल मिर्च। तो हमारा फ़ौरन लाल हो चुका है और मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। और मसाला डाल कर इसको अच्छे से हम चलाएंगे 5 मिनट तक। ऐसे से हम इसको भूनेंगे पहले, जब तक हमारा तेल ना छूट जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से चला देती हूँ ताकि हमारा मिक्स हो जाए हल्दी मसाले में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 5 मिनट हो चुका है। कितना अच्छा सुंदर हमारा मसाला भुन गया है और कितना कलर भी अच्छा आ गया है, लाल हो गया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर, मैं काट कर रखी थी। तो इसको चला देती हूँ, थोड़ा सा चला देती हूँ इसमें। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि हमारा टमाटर जल्दी से गल जाए। नमक डाल देने से टमाटर जल्दी गल जाता है। तो इसको डालकर भी मैं चला देती हूँ और इसको भी हम 5 मिनट तक पकाएंगे। इसको अच्छे से हम चला देते हैं, इसको चलाते रहना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर भी कितना अच्छा से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद
पानी डालकर हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट तक खोलने के लिए, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ एक चूल्हे पर चावल रख लिया है, चावल के लिए पानी, उसमें मैं चावल डाल रही हूँ कुकर में। और हमारा एक तरफ मछली बन रहा है और एक तरफ चावल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना सुंदर पक गया है मसाला। अब इसमें मैं मछली डाल देती हूँ और इसको चला देती हूँ अच्छा से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता काट कर रखी है, उसको मैं डाल देती हूँ। धनिया पत्ता डालने से बहुत अच्छा आता है टेस्ट। और इसको मैं ढक दूँगी और गैस को बंद कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मछली बनकर रेडी हो चुका है। कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी टेस्टी ही लगेगा। आप ज़रूर ऐसे एक बार बनाकर देखिएगा मसाला वाला। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।